to the power of n, then dy dx is equal to n into x to the power of n minus 1. होता है ना, पावर का मल्टीप्लिकेशन और पावर में एक सबस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ओके। दो नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एट वाई इज इक्वल टू सी मीन्स कॉन्स्टेंट, देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, राइट ना जी। और थर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक दोनों को कंबाइन करके y is equal to c into x to the power n, then dy by dx differentiation of y with respect to x is equal to c into n into x to the power of n minus 1, ठीक है, n minus 1, ओके। अब जरा देखिए, ठीक है, अब देखो जरा नंबर 4, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस डी, यू एंड डी इज द फंक्शन ऑफ x, राइट ना, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dy by dx is equal to du by dx plus minus dv by dx, ठीक है, इस सब पर बेस्ड अपन ने न्यूमेरिकल भी पढ़ा, ठीक है, न्यूमेरिकल भी पढ़ा, राइट ना, ओके। तो वहीं से चलेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आए, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद आने बन जाओ, ठीक है। तो अब आ जाइए, ठीक है, तो एक एग्जांपल हो जाए जरा मीठा मीठा सा, राइट ना, तो एग्जांपल नंबर वन देखिए क्या कहता है, दे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, दे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू 3t to the power of 10 प्लस 2t minus 12 मीटर, ठीक है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड या स्पीड एंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर स्पीड या वेलोसिटी, लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक है प्यारे, इस तरह से आपका प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, अब इसको आपने सॉल्व कराइए तो कैसे कराइए, इसको सॉल्व करना है, हाउ कैन वी सॉल्व इट, ठीक है, तो देखिए जरा क्या होता आपका ये कंबाइंड फॉर्मूला, तीनों मिला करके इसको अप्लाई करते, तो भैया स्पीड और वेलोसिटी
स्पीड वी इज इक्वल टू क्या होता है डी एक्स बाय डीटी, क्या होता है डी एक्स बाय डीटी, समझ गए डी एक्स बाय डीटी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ओके तो वी इज इक्वल टू सांगा माला कैसे लिखा है तेरी मर्जी। अब देखो यदि बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा ऐसे लिख देंगे 3t^10 + 2t - 12 जयराम जी की, ठीक है। ओके तो वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ये पावर सॉरी ये क्या है मल्टीपल प्रोडक्ट 3 कांस्टेंट है ना c इनटू पावर कितना है 10 तो 10 इनटू e^10 - 1। ओके अजी कुछ तो बोलिए 2 इनटू मैंने सिखाया था भैया उस दिन क्या सिखाया a t पे पावर कितनी आए 1 पर पावर कितना है 1 का मल्टीप्लिकेशन (2^1 - 1) ठीक है -12 कांस्टेंट है इसका नाम सत्य हो जाएगा होगा कि नहीं होगा। ओके चलिए तो v इज इक्वल टू 3 × 10^30 e^9 + 2 ठीक है। ये क्या हो गया स्पीड के लिए तो मीटर पर सेकंड लिख देंगे नहीं लिख देंगे बोलिए है ना। तो अब देखिए जरा मिटा रहा हूं ये पार्ट लिखो ये सब लिखने का बार बार लिखने का वो एक कारण नहीं था बार बार देखो हजार बार देखो देखने की चीज है कि नहीं है। तो भैया ये सब जो चीज है ना वो बार बार लिखने की चीज है बार बार लिखो हजार बार लिखो लिखने की चीज है ये क्वेश्चन यार समझ गए ठीक है। तो आ जाइए जरा अब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को यहाँ पर छोटे ए से रिप्रेजेंट करता हूँ ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन वही हाँ ये तो मैंने पूछा है कौन बताएगा मेरे को कौन बताएगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो होता है rate of change in acceleration is equal to क्या होता है चल लिख के भेजना अर्जित महक ठीक है। rate of change in acceleration rate of change in acceleration क्या होता है लास्ट में बताऊंगा। तो ये क्या हो गया dv/dt ठीक है समझ गए a इज इक्वल टू d/dt इसमें लिख दो 30 × 10^9 × 2 सॉल्व करेंगे पावर का मल्टीप्लीकेशन 10^10 पावर में एक सब्सटेंस ठीक है। ओके अब इसके क्या होंगे जोर से बोलो घर में आवाज आनी चाहिए मेरे को याद रख ठीक है। ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट दैट इज 0। ओके सांगा वाला ये कितनी जा 2 से
बताएगा, यूनिट बताएगा पदार्थी, इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब बात इसी तरह से पेन वेन चलते रहना चाहिए, बटन चलते रहना चाहिए, ठीक है। ओके तो आ जाइए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कोई राम जी सॉरी आगे टेन फुट से अगले राम 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 क्या यार मेरे को भी दिखाई नहीं देती, बुड्ढा हो गया ना 80 साल का हो गया मैं, समझ गए। 81वां बर्थडे जब मनाऊंगा इस बार, हम देखो उसके बावजूद भी इतना हो रहे हैं, और तुम लोग हैं 16-17 के भी नहीं हुए हो, ये 12-13-14-15 के हो गए सब, है ना, इतना स्लो। राम राम चला। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए जरा, मास्क 2 नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना, अरे नाम सुना आ जा देख जरा, दी रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टाइम एच क्यू इज इक्वल टू टी टू दी पावर ऑफ 3 + 2t² + 6t - 12, ठीक है। कूलॉम फाइंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर आई, ठीक है। अब देखो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर आई, जरा चलिए फाइंड एक्सप्रेशन फॉर आई, वही बोलेगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। देखो क्या मस्त है यार, है ना, सिंपल डी क्यू बाय डी टी आई इज इक्वल टू डी बाय डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज क्यू दैट इज दिस 2t² + 6t - 12, ठीक है। बोलेगा 3t² डायरेक्ट लिख रहा हूं 3t² + बोला 4t + 6, ये क्या हो गया 0 एम्पियर, आंसर झालक लगेगा, झालक की नहीं झालक, कोई बोलेगा क्या, वेरी गुड।
इसी तरह पढ़ते चलिए जरा। राजवर्धन सिंह राठौर, इतना लेट कैसे हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का वो देख लेता हूँ यार। ठीक, वेरी गुड। अरे गजब, सादिया तो कमाल कर दी, शाबाश। लड़की होशियार, गुड गुड गुड, वेरी गुड, यस। रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन इज जर्क, वेरी गुड गुड गुड। देखो आपका आंसर आ गया, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जर्क। अब उसका एग्जांपल क्या है जानते हो? जैसे गाड़ी चला रहे और अपन अपने गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे, ठीक है, और सामने में आ गया गड्ढा या कोई स्पीड ब्रेकर ना छोटा वाला, एक तो तुम एक्सेलरेट किए हो प्लस स्पीड ब्रेकर की जो कृपा होगी उसके कारण आपको झटके लगेंगे, दैट इज कॉल्ड जर्क। एक्सेलरेशन में यदि चेंज होता है तो इज कॉल्ड जर्क। शाबाश, वेरी गुड सादिया। चलिए अब आ जाइए फिर यहाँ पे, आ जाइए, इसको हटाता हूँ जरा, इसको हटाता हूँ जरा। अब कुछ और भी बेटर हो जाए, नहीं मतलब फार्मूला सा रूला है ना। अब जरा इसको बढ़ाते हैं, अब देखिए फिर से फार्मूले में आ जाइए, फार्मूला। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो इंजीनियर लोग है उनके लिए तो ये बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो देखो, नंबर वन, ए वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, ध्यान देने का जरा, y is equal to sin x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो फॉर्मूला? dy is equal to sin x का होता है cos x, क्या होता है cos x। अब देखिए यहाँ पे मेरे से ये कोई नहीं पूछना कि ये कहाँ से आया, ठीक है, समझ गए नीट वाले आपके काम का नहीं, जेई वाले आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, नीट वाले भी अकड़ावी के मैथमेटिक्स में ये सब आपको मिलेगा। अब बोलोगे आप क्यों नहीं बताते भैया, ये सब बताऊंगा ना तो अपने फिजिक्स की तो राम राम सत्य हो जाएगा, ठीक है। अपन को यहां से इसको फिजिक्स में कैसे कहां कहां अप्लाई करते हैं ये लेकर के चलना है, ठीक है। तो आ जाइए डिफरेंशिएशन ऑफ इंडेस, क्या हो गया डीवाई, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और एक्स का डीएक्स। नीट वाले ध्यान दीजिए, सारे डॉक्टरों ध्यान दो, वरना डॉक्टर भी बोल करके डाकू बोलने लगूंगा मैं, समझ गए, ठीक है। dy by dx is equal to cos x, ओके राइट। आ जाइए फॉर्मूला नंबर टू, ठीक है, y is equal to cos x, ठीक है, cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे कैसे, तो उसी स्टाइल में dy is equal to cos x का होता है माइनस sin x, माइनस sin x dx, ये x का dx, अरेंज कर दीजिए, आपकी मर्जी है, अरेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता,
dy by dx is equal to minus sin x. ठीक है, ओके। अब जरा चलिए फार्मूला नंबर थ्री। फार्मूला नंबर थ्री, फार्मूला नंबर थ्री, y इज इक्वल टू क्या होता है tan x y। क्या बात है प्यारे, तो dy इज इक्वल टू tan x का होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, dx समझ गए। अब तेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहे ऐसा लिखो, आप चाहे ऐसा छोड़ो, आपकी मर्जी। ठीक है, राइट ना, देख जा चार नंबर। ए वाई इज इक्वल टू, अब इसके बाद क्या होता है मेरे को भी नहीं आती, तेरे को आती क्या? क्या दिया sec x। ए राम राम रे बाबा, ये बीच में ना आने वाले बहुत गंदी बात। क्या बात है, इतना डिले क्यों कर दी आकांक्षा है? आ जाइए तो dy by dx डायरेक्टली रॉन्गली sec x tan x dy by dx का sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x। ठीक है, sec x tan x राजवर्धन दिखता है कि नहीं? ओके, अंतरा चलिए, आस्था तो अपने क्लास में दो गई है, आ जाइए। चलो अब फॉर्मूला नंबर फाइव। ठीक है, एक क्या होता है cosec x y इज इक्वल टू cosec x, अरे यार ये छूट गया। ठीक है, ये tan का जो होता है ना tan, tan का एक छूट गया, अच्छा कोई बात ना, मिल चलेगा, लिखा लिखा dy by dx is equal to minus cosec x cot x। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, minus cosec x cot x। सिक्स नंबर, a y is equal to cot x। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जानते हो, dy by dx is equal to minus cosec square x। ठीक है, अब देखो इसमें देख ले, ये there are six formulas, मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखा है। इसमें cos, cot और cosec तीनों का फर्स्ट वर्ड क्या है, सी। क्या है, सी। और ये तीनों का देख डिफरेंशिएशन नेगेटिव, तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखने वाली बात हो गई, राइट। चलिए अब इसको हम लोग यहां वहां जहां तहां जहां मन हो वहां वहां अप्लाई करें, समझ गए, राइट ना, हटाओ अब इसको। तो चलो इसको बाय
इक्वल टू माइनस दिस। अब देखो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दो फार्मूले लॉग और एक्सपोनेंशियल टर्म्स का। तो सेवन नंबर ए वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर ऑफ एक्स रूट, ठीक है, y इज इक्वल टू e टू दी पावर ऑफ एक्स, ठीक है। नीट वाले ध्यान देने का, यहाँ पर नीट वाले इकड़े बगैचे सारे डॉक्टरों, यहाँ देखो इंजीनियरों को देखने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर लोग ये मैथमेटिक्स में देखेगा उसको ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर ऑन कॉन्सेंट्रेट हियर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए टू द पावर ऑफ एक्स ही होता है, ठीक है, ए टू द पावर ऑफ एक्स, राइट। अब इसी से रिलेटेड फॉर्मूला नंबर आठ, ए वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ एन, वाजिबा। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखो टेंशन के अच्छे नहीं, देखिए डी वाई इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल वही e टू दी पावर ऑफ x टू दी पावर ऑफ n जितना, ठीक है, इनटू एक, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका इस बार x टू दी पावर ऑफ n का क्या हो जाएगा, n इनटू x टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, n इनटू x टू दी पावर ऑफ n माइनस 1 into dx into x इसका, ठीक है, वैसे भी सूत्र ले रहा अपन इसका लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते ना dy equal to e to the power of x, x का क्या होता है dx, ठीक है, और dx को इधर ले आते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया dy is equal to n into x to the power of n minus 1 into e to the power of x to the power of n, ठीक है, x to the power of n, टेंशन लेने का नहीं, अब भी आपको ढेर सारे क्या एग्जांपल दूंगा, तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हम सीखेंगे नहीं, ठीक है, हम अभी पढ़ने पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने का काम करेंगे सीखने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बल्ले बल्ले करेंगे, राइट। ओके, नाइन नंबर, नाइन नंबर क्या होता है, नाइन नंबर ए वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे हो जाएगा, log x base e का होता है 1 by x, क्या होता है, क्या होता है 1 by x into x का dx, अब आपकी मर्जी इसको ऐसा लिख दो 1 by x, ठीक है, ओके जी। कितने नंबर का हो गया, 9 नंबर, और मजे लेते जा, एक और, ए वाई इज इक्वल टू, देख ले ए वाई इज इक्वल
इसका क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, जरा हमको कहिए। देखिए वही स्टाइल अपनाएंगे यहाँ भी, इसको यही निपटाता हूँ यार बहुत जगह है ना। देखो dy इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, यहाँ जो भी रहेगा वो 1y हो जाएगा, तो आप कोर्स यहाँ जो भी रहेगा वो 1y हो जाएगा, तो x टू दी पावर में जयराम जी के क्या बोलते हो, ठीक है इन टू देख जाए, अब क्या हो जाएगा x टू दी पावर n का पावर इन टू x टू दी पावर n माइनस 1 राइट ना, ओके जी। और फिर x का dx, x का क्या हो गया dx, ओके डन 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 राइट ना। अब देखो तेरी मर्जी dy by dx इज इक्वल टू, ठीक है अब तेरी मर्जी इसको सॉल्व करो, आपकी मर्जी तो क्या हो जाएगा n by x, ठीक है ओके। अच्छा रेडियो वगैरह ब्रेकिंग हो रहा है, अब क्या करें यार, ये तो अपने बस में है नहीं तो ब्रेकिंग फ्रेकिंग होने दीजिए, टेंशन नहीं लेने का, इसका वीडियो लेक्चर डालेंगे अपन, ठीक है वीडियो लेक्चर डालेंगे, बस 10 दिन की बात है, 10 दिन भी नहीं, 7 डेज ओनली, ठीक है उसके बाद हम लोग मिलेंगे बिंदास, ओके। तो चलिए जरा अब देखिए इस सब पर अपन न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है इस सब पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब देखो एक 11 नंबर का फॉर्मूला और देखिए, इसको क्या करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है क्या बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ओके। क्या होता है कि ये जो अपन ने किया ना ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ u, ठीक है y इज इक्वल टू, ये मजा नहीं आएगा, u टू द पावर ऑफ v कर देता हूं, एक y इज इक्वल टू u टू द पावर ऑफ v, ठीक है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ u टू द पावर v इन टू, ठीक है डिफरेंशिएशन ऑफ v डिफरेंशिएशन ऑफ v इन टू dx, ठीक है 1/1 डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 1/1 डिफरेंशिएशन, यही चीज अपन ने यहाँ अप्लाई किया तो dy by dx इज इक्वल टू du टू द पावर v, मतलब ये जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, ठीक है ओके। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सिंपल स्टाइल में सीखें, अब देखो इसका एग्जांपल, ठीक है बिल्कुल 1/1 सीखने का, 2 मिनट जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ आप लोग फॉर्मूले देखो, आप फॉर्मूले देखो, आप अपने नोटबुक के फॉर्मूले देखो, ठीक है एग्जांपल
नंबर वन, नंबर वन एक्स इज इक्वल टू रूट टी, ठीक है। नंबर टू एक्स इज इक्वल टू साइन टी। नंबर थ्री एक्स इज इक्वल टू साइन टी टू द पावर थ्री, ठीक है, साइन टी टू द पावर ऑफ थ्री। अब इस तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस तीनों का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो देखिए आंसर, ठीक है, एक नंबर एक्स इज इक्वल टू रूट टी, ओके, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू टी टू की पावर वन बाई टू, नहीं अगेन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू पावर का मल्टीप्लीकेशन इनटू टी टू द पावर ऑफ वन बाई टू माइनस वन, और फिर टी के लिए क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे ना, डी टी। ओके, योर आंसर विल बी, योर आंसर विल बी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू टी टू द पावर माइनस वन बाई टू, है कि नहीं, राइट ना, बोला। अब ये वन बाय टू, ये क्या हो गया, वन बाय टू दी पावर वन बाय टू, तो डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू वन बाय टू रूट टी, ठीक है। ओके जी, तो इस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको सीखेंगे हम, राइट, जो फॉर्मूला अपन ने सीखा उसको अप्लाई कराइए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितनी आ गए, साइन टी। अब ये क्या है, फॉर्मूला है कि नहीं, फॉर्मूला बोलिए, अरे संगा माला, क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी, क्या नाम देखिए, इज इक्वल टू कॉस टी, ठीक है। ओके, और चलिए अब कौन बचा, अब तो बड़ा मस्त चीज बचा है, मस्त चीज बचा है, इसको कोई सॉल्व करेगा क्या, कोई बोलिए जरा। तीन नंबर, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, ऐसे आपका लिखा हुआ है, फिर भी लिख रहा हूं, साइन टी टू द पावर थ्री। देखो अब क्या हो जाएगा, इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टी टू द पावर है थ्री, नहीं तो देखो यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी टू द पावर थ्री, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या, बोलो, पावर का मल्टीप्लीकेशन, पावर में वन सब्सट्रैक्शन इन टू टी का क्या लिखेंगे, टी टी। ओके ठीक है, तो कहिए जरा, रियल कर दीजिए इसको, डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, थ्री पी
राइट ना। अब आप बोलोगे और एग्जांपल दो और ले लो भाई मेरा क्या, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल राइट ना, बिल्कुल मिक्स्ड वाला पिकल सपन लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, क्या बोलता है पता? बोला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, है ना, पार्टिकल इज y इज इक्वल टू 100 साइन, साइन बहुत हो गया है, साइन माइन वाला डालोगे बना लेगा तुम लोग, साइन की जगह पर cos 30 by t, ठीक है, 30 by t, राइट। वाह जी वाह। अब फाइंड एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल। अब जरा इसको बनाइए, बनाइए जरा इसको, वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल, ठीक है। देखिए जरा आंसर, आप जो जो कर रहे हो नोटबुक में मैं यहां से देख करके बोल रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा, आप खुद करो। 100 cos 30 by t, ठीक है, तो क्या करोगे, तेरी मर्जी, dy/dt लिखो या जो डायरेक्ट लिखो तो आपके मन, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं dy/dt displacement of change in displacement with respect to time is equal to, ठीक है, ये क्या है कांस्टेंट, तो 100 लिख देंगे, cos का क्या जानते हो माइनस साइन लिख दो, क्या है माइनस साइन, ठीक है, थीटा तो 30 by t, ओके। अब इसके अंदर जाएंगे, चले चलिए अंदर बिना डरे हुए, फिर टी का मल्टीपल प्रोडक्ट 30 by 50 लिखेंगे, रूल इज रूल, रूल करना भी ओवर रूल, और टी का डीटी तो आप इधर ले आए तो वहां क्या बचा, जयराम जी, टी का वाला डीटी इधर ले आया ना, है ना, तो आपका ये प्यारा सा सुंदर सा आंसर आ गया -, ये 30 और ये 100 क्या हो गया, 3000 नहीं हो गया, 5 sin, ठीक है, 30 by t, ओके। इसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल -3000 by sin, ठीक है, 30 by t, ओके ओके जी, कुछ सीखा, चल इसी तरह के मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, राइट ना, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आ जाइए जरा
है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है, सोहन, सुमित, देखिए यहां पर जरा क्या देखिएगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स, नंबर वन एक्स इज इक्वल टू 10, वाई 10, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, टेंशन कैसे ना ही, ठीक है, समझ गए, ओके। मानसिक आजादी होना चाहिए, हम किसी फॉर्मूले के फॉर्मेट का गुलाम नहीं बनेंगे, ओके, फ्रीडम जरूरी है, मेंटल फ्रीडम इज मस्ट टू इंप्रूव योर सेल्फ, ओके। नाउ कम ऑन, कंप्लीटेड, फॉर्मूला देखो, एंजॉय करो। नंबर टू, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई, ठीक है। नंबर थ्री, ओके, एक्स इज इक्वल टू 10 log y base e, ठीक है। नंबर फोर, एक्स इज इक्वल टू y टू द पावर ऑफ -33 प्लस cos y -6, ये चार आपके नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा और न्यूमेरिकल सही, हटाइए इसको, चलिए चलिए जरा फिर से लिखिए एग्जाम्पल। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वन इज यूनिफॉर्म, the other is variable, again there are two types of variable, one is DC, the other is AC, है ना, AC, AC means alternating current, ठीक है, alternating current। अब उसका example आ जाएगी, देखिए जरा प्यारे क्या होता है, चार्ज रो ए सर्किट एज क्यू इज इक्वल टू Q is equal to 100 sine, क्या लिखूं, 50 pi t, ठीक है,
साइन की टू दी पावर
समझ गए, प्लस 12 इनटू द पावर ऑफ 10, ओके इनटू द पावर 10, ओके। चलिए स्क्रीनों का जरा बोलिए फटाफट फटाफट बिना टेंशन के, बिना टेंशन के दिमाग चलाने का। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, नंबर वन, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डी वाई बाई डी बी इज इक्वल टू, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, पावर का मल्टीप्लीकेशन, पावर के साथ एक सब्सट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, समझो जरा, टू प्लस, आप देखो वो क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है ना, साइन टी टू दी पावर ऑफ 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस टी टू दी पावर ऑफ 3, और यहाँ पर टी टू दी पावर ऑफ 3 है ना, इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा इनटू 3 टी स्क्वायर, इसका करना पड़ेगा, हो गया, बल्ले बल्ले, ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3 टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस टी क्यूब, ये आ गया आंसर, ठीक है, ओके। तो इसी तरह देखो जरा यहाँ पर 1 log 10 बेस ए, इसको बनाइएगा log 10 बेस ए, यहाँ पर टी नहीं है ना, नहीं है ना, ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो ये किसका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये पार्ट 0, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है 12 e to the power of 10, राइट ना, यहाँ पर भी ये टी नहीं है, मतलब क्या हो गया ये कांस्टेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा 0, राइट, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने का मजे लेने का, ठीक ना। अब आज क्या करते हैं अपन, कल आपको बायो वाले में भी हो सकता है आपकी बायो की अलग से क्लास होगी, ठीक है, एक लिंक दिए जाएंगे आपको, उस लिंक को क्या करने का, उस लिंक पर जाने का, ठीक है, तो कल बायो का एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना लीजिएगा, ओके, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने पूछा है एंगस्ट्रम मींस, देख भाई एंगस्ट्रम क्या होता है, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 10 को एंगस्ट्रम बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम नाम का साइंटिस्ट था, उसी ने लेंथ को मेजर किया था, मतलब लेंथ को तो मेजर सबने किया, डिफरेंट वो जो साइंटिस्ट के नाम पे है उसका यूनिट रखा गया एंगस्ट्रम, तो जैसे 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, 10 टू दी पावर ऑफ प्लस 6 को क्या बोलते हैं मेगा, राइट ना, क्या बोलते हैं मेगा, इसी तरह से 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 10 को क्या बोलते हैं एंगस्ट्रम, क्या बोलेंगे एंगस्ट्रम, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 3 को क्या बोलते हैं मिली मिली मिली, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 3 को क्या बोलते हैं मिली, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 2 को क्या बोलते हैं सेंटी, ठीक है, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 1 को क्या बोलते हैं, कोई बोलेगा मेरे को, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 1 को डेसी, ठीक है, डेसी सेंटीमिली माइक्रो, ठीक है, नैनो, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 9 को क्या बोलते हैं नैनो, वो किसकी, नैनो कार, नैनो, ओके, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 12 को क्या बोलते हैं पीको, 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 15 को क्या बोलते हैं फेमटो,
मजा से मजे लीजिए इस सब चीजों का, ठीक है ना। तो आज की मुलाकात बस इतनी, बाय बाय। थोड़ी देर के बाद मैथमेटिक्स का आनंद ली।